जय हिंद दोस्तों, ये प्योर सोना है, प्योर गोल्ड 24 कैरेट, और ये जिंक है, जिंक। इसमें हम लोग आज KDM बना के आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए आप लोग, ये जिंक का जिंक है पूरा इसमें। ये देखिए 7 ग्राम 710 प्योर है, और ये जिंक है। ये देखिए कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में आप लोगों को दिखा रहे हैं। 7 ग्राम 710 × 995, वो 995 है, वो प्योर का टच है, और 917 का KDM बनाएंगे। देखिए देखिए 7 ग्राम 710 प्योर है, और इसमें जिंक डाल देंगे। देखिए वो जिंक है, ये जिंक डाल दिया। देखिए 8 ग्राम 370 हो गया। प्योर सोना को पात बनाएंगे, पात बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखते रहिए। देखिए पुड़िया जैसा करके उसके अंदर जिंक डाल के मुड़ लेंगे। प्लास से अच्छी तरह से मुड़ देंगे। अब इसको गिला के आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। दोस्तों सुहागा है, थोड़ा सा सुहागा दे देंगे, अच्छी तरह से गालेंगे। दोस्तों KDM गिलाने के टाइम ध्यान से गिलाना पड़ता है, उसके अंदर जो जिंक है वो जल्दी गल जाता है। वो ज़्यादा हीट देंगे तो वो जिंक वो उड़ जाता है, फिर KDM अच्छी तरह से गलेगा नहीं, और सोल्डरिंग का टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए गिलाने के बाद वेट देखिए, सेम है गिलाने के बाद, लॉस नहीं हुआ। देखिए सोना है, 22 कैरेट सोना है, और ये KDM है छोटा वाला पीस। देखिए कितना कलर, अलग अलग कलर है। एक सोना है 22 कैरेट सोना है, और ये 917 का KDM है। KDM कलर देखिए पीला कलर है, KDM का कलर। थोड़ा सा लंबा करने के बाद थोड़ा सा गर्म करेंगे, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो गल जाएंगे। सोना जितना गर्म करता है उतना नहीं, उसमें से कम थोड़ा सा। काम का हिसाब में वो मोटा और पतला रखना पड़ता है, जैसे जैसे काम उस हिसाब से रखना पड़ेगा। पात बन के रेडी हो गया, अभी थोड़ा हार्ड है और उसमें ऑयल लगा हुआ है मशीन का। इसको गर्म करेंगे थोड़ा, और थोड़ा सा एसिड में डालेंगे।
गरम कर रहा है, देखिए गरम करेंगे फिर एसिड में डाल देंगे। देखिए एसिड है, सल्फर एसिड इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पिरिल लेंगे और उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे और बाद में पानी से धो लेंगे अच्छी तरह से। एक हेडी आम का पात है और देखिए कितना फारक है। ये गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड, अरे 917 का। देखिए कितना फर्क है दोनों। ये 22 कैरेट गोल्ड पात और ये केडीएम है 917 का। इसमें सोइलिंग होगा, देखिए इसको काटेंगे ऐसा करके, ऐसा ऐसा काट के फिर सोइलिंग करेंगे। केटीएम काटने के बाद ये सुहागा है, सुहागा लगाएंगे अच्छी तरह से फिर सोइलिंग करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।